अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनवार स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको हराज मार्केट दिखाने वाला हूँ, जो सऊदी अरब की सबसे सस्ती और सेकेंड हैंड यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी तादाद में मैं आपको दिखाऊँगा। न्यू चीज़ें भी होती हैं, ज़्यादातर सेकेंड हैंड चीज़ें होती हैं, जो बी पेयर माल होता है, जैसे कि पाकिस्तान में इसको चोर बाज़ार भी बोलते हैं, या वैसे ही ये बाज़ार होता है। यहाँ पर तकरीबन आपको हर चीज़, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर आपको मिल सकती है, अवेलेबल होती है। यहाँ पर न्यू भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और सेकेंड हैंड चीज़ें भी होती हैं। काफ़ी लोग छुट्टी जाने या क्रूज जाने के टाइम में अपनी चीज़ें सेल कर देते हैं, तो वो यहाँ पर ला कर सेल कर देते हैं, या किसी के पुराने कोई बर्तन है या कोई चीज़ है तो वो यहाँ पर आकर सेल कर देता है। तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाऊँगा कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो सेल वगैरह करते हैं ये लोग। यहाँ पर आपको बर्तन वगैरह, टूल्स, फर्नीचर, कारपेट, फ्रिज, मशीन, एसी, तकरीबन हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो अब जब काफ़ी तादाद में जो हमारे लोग कार्गो कराते हैं, बिल्डिंग करवाते हैं सामान वगैरह, वो भी यहाँ से सामान परचेज़ करते हैं, फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस कंट्री के होते हैं वो यहाँ से भेज देते हैं लेके, क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ प्राइस से भी कम की चीज़ें जो मिलती हैं, जो मार्केट में आपको 100 मिलती है, यहाँ पर आपको 20-25 की मिलेगी। तो ये चीज़ें इतनी हल्की नहीं होती, सिर्फ सेकंड हैंड होती हैं, मतलब 1 महीना 2 महीने यूज़ की होती हैं, और कुछ लोग मजबूरी के तहत यहाँ पर आकर सेल कर देते हैं। तो कोशिश करें, जब भी अगर आपके पास पैसे कम हैं या आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही मार्केट से, तो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर विज़िट करें, आपको यहाँ से मिल जाएगी बआसानी। तो ये पूरे सऊदी अरब में हर सिटी में जो बाज़ार है ये लगता है, हराज मार्केट इसको बोलते हैं सऊदी अरब में। तो आपको तकरीबन दुनिया की हर चीज़ यहाँ से आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप खरूज जा रहे हैं, आपने कोई चीज़ सेल करनी है, तो वो भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड चीज़ है, तो वो भी आप यहाँ पर आकर सेल कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। पैसा किस तरह कमाते हैं? पुरानी चीज़ें उठाते हैं कहीं से, और जुमा बाज़ार ये लगते हैं, जुमे वाले दिन तकरीबन बहुत बड़ा ये मार्केट लगती है, तो जुमे वाले दिन कोशिश करते हैं आकर सेल कर देते हैं। खुद आप खुद भी सेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई चीज़ है सेल करने वाली, अगर नहीं है तो आप यहाँ से आकर परचेज़ करना है तो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में आपको न्यू चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, पुरानी भी मिलेंगी। तो ये सऊदी अरब का हराज मार्केट है, जिसको हम पाकिस्तान में चोर बाज़ार कहते हैं, वो समझ लें। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था वीडियो बनाऊंगा और टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला, आज मैं विज़िट करने साथ सोचा आप लोगों के साथ दिखाऊँ। तो हमारे वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, ये ब्लैंकेट वगैरह हैं, कंबल हैं, ये सब सेकंड हैंड है। बहुत लोग कंपनी से जो चले जाते हैं रोज, वो यहाँ पर आके सेल कर देते हैं। तो ये 10, 20, 30 सब का अलग रेट होता है। फिर इसके बाद ये कपड़े हैं, कपड़े आपको ये 5 रियाल में मिल, ये चप्पल वगैरह ये भी 5-10 रियाल में यहाँ से मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन्स की चीज़ें हैं, ये भी सेल लगी होती है 5-5 रियाल। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, हेडफोन, चार्ज वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या यहाँ पर सेल होता है। इसके बाद ये फर्नीचर है, बेड है, ये कपड़े हैं सऊदियों के, दूसरे यमनी वगैरह, मिस्री वगैरह जो यूज़ करते हैं। इसके बाद ये चूल्हे हैं नए, ये बिल्कुल नए हैं। ये सिलेंडर वगैरह है, सिलेंडर कोई अगर चाहिए तो यहाँ 180 रियाल, 150 रियाल का वन आसानी से मिल जाता है। इसके बाद ये प्रेशर कुकर है, यहाँ पर थर्मोस वगैरह है, ये कारपेट है, कारपेट जो है ये सेकेंड हैंड है, ये बैग देखें, बैग भी सेकेंड हैंड है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इसके बाद ये चाय डालने वाली केतल जो होती है, ये गर्म करने वाली, वो केतल है। ये थर्मास यहाँ पर काफ़ी तादाद में सेल होते हैं। इसके अलावा ये बर्तन है सेकेंड हैंड, ये आपको मार्केट से लेंगे तो 70-80 रियाल का, यहाँ पर आपको 10-20 रियाल का अच्छा खासा बर्तन मिल जाएगा। तो अगर आपने सस्ती चीज़ें लेनी है यहाँ पर आएँ, यहाँ से लें,
काफ़ी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर बूफर वगैरह, स्पीकर हैं, ये शूज़ हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, ये लोशन वगैरह है। इसके बाद ये देखिए स्मार्ट वॉच है, ये तो न्यू, एक स्टार लगा हुआ है न्यू चीज़ों का उसने, ये काफ़ी तादाद में चीज़ें रखी हुई हैं। ये खिलौने वगैरह बच्चों के, फिर थ्री शू वगैरह। हम तो सेकेंड टाइम आए थे, इस टाइम तो ये चले जाते हैं। वैसे जुमे के बाद अगर आपने जाना हो तो जुमे के बाद, और कोशिश करें असर से पहले, मगरब से पहले। फिर ये पानी वाली बोतलें हैं, पीने वाला, इसमें दूध भी डाल सकते हैं। ये साइकिल है तीन टायर वाली। इसके बाद ये देखिए लैपटॉप रखे हुए हैं काफ़ी तादाद में, सेकेंड हैंड है ये सब, ये चलते नहीं हैं। वैसे जब भी आपने कोई चीज़ लेनी है तो अच्छी लें, और कोशिश करें वहाँ पर चला के चेक करके फिर लें, क्योंकि ये सेकेंड हैंड होती हैं और कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। ये देखिए काफ़ी तादाद में फ़ोन, आईपैड और चीज़ें काफ़ी पड़ी हैं। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।